तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के स्टॉक के बारे में। डेल्टा कॉर्प के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने बीच बीच में यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की लेकिन यहाँ पर स्टॉक कभी भी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और हमको स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। आज भी हमको स्टॉक में 1.89% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 115 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करता है। देन यहाँ से हमको स्टॉक है 110 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 102 और 92 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 126 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखना मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 140 दैन यहाँ से हमको स्टॉक है 159 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 175 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग थोड़ा नहीं है वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।